ट्रांसफार्मर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है या नहीं है, ये फॉर्मूला तो वैलिड है कि वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये पहला फॉर्मूला है, चाहे 100% है चाहे नहीं है, ये फॉर्मूला तो फिर भी चलेगा। लेकिन और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट था, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है तो वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी। ये फॉर्मूला, करंट वाला फॉर्मूला तो तब चलता है जब वो 100% एफिशिएंट है। और अगर वो 100% एफिशिएंट नहीं है तो फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला चलता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट का मतलब सेकेंडरी, इनपुट का मतलब प्राइमरी। तो यानी कि ESIS सेकेंडरी पावर अपॉन प्राइमरी पावर, यानी कि इनपुट पावर, ईपी इंटू आईपी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला जब 100% एफिशिएंट है, ये फॉर्मूला जब 100% एफिशिएंट नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो 100% एफिशिएंट पे चलते हैं, और ये जब 100% एफिशिएंट नहीं है तब चलते हैं। क्या ये फॉर्मूलाज क्लियर है यहाँ तक? इसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।